A warm and cheerful good morning to my kids. In today's class of maths, we will learn about make groups of tens and write tens and ones. हमने base value अच्छे से सीखा, expand the number अच्छे से सीखा, right? Now हमारे को ये concept clear हो गया है, तो ये बहुत ही easy है. What we are going to do? हम पहले count करेंगे और हमको क्या करना है, क्या tens पे है और क्या ones पे है. बोलने से नहीं समझ में आएगा. Pay attention on the board. How man is doing? एक-एक चीज अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो आपको second question easily आपको दे करोगे. बहुत ही interesting है, ठीक है? That is your page number 38 in your workbook. No need to take workbook in your hand. Only pay attention. Page number 38. मैंने क्यों लिखा है? ताकि आपको ये याद रहे कि मैंने question कहाँ से उठाया है. Make groups of tens and write tens and Once, हम अभी पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं इतनी लाइन्स ड्रॉ की हुई है, राइट? अभी हम इसको काउंट करेंगे. हाउ विल काउंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. पहली बात तो हमको काउंटिंग में मिस्टेक करनी नहीं है. यहाँ पे हमने फोकस अपना हटाया या हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ हो जाएगा. इसके लिए व्हाट वी विल डू, हमने काउंट किया 30 में आया, बट हम फिर से एग्जाम में क्या करेंगे, एक बार काउंट करने के बाद वेरीफाई करेंगे कि हमने काउंटिंग प्रॉपर की है कि नहीं. जल्दबाजी करनी नहीं है. सो हमारा यहाँ पे क्या आया, काउंटिंग 30. ना 30 में 3 की क्या वैल्यू है, हमने बेस वैल्यू सीखी है, राइट? 3 की वैल्यू है 1s. तो 3 की वैल्यू 1s है, तो 3 तो 3 रहेगा, ठीक है? ये 1 की वैल्यू क्या है, 10s. तो 10s में कितने 0 आते हैं, मैंने आपको सिखाया था. यस, 10 आता है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है? 3 की वैल्यू है 1s और 1 की वैल्यू है 10s. तो हमने क्या लिखा, 10s की जगह पे 10, 1s की जगह पे 3. तो अगर हम अच्छे से देखें तो हमारे को आंसर यहीं से मिल गया. हमको यहाँ पे सीधा लिखना है. क्या किया हमने, हमने पहले काउंट किया, काउंटिंग हमारी है 13, फिर हमने देखा 3 की वैल्यू क्या है 1s एंड 1 की वैल्यू क्या है 10s. तो 1s की जगह पे जो नंबर होता है एज इट इज लिखा जाता है, और 10s की जगह पे जो नंबर होता है हम उसमें एक 0 पुट करके उसकी वैल्यू लिखा देते हैं, ठीक है? तो हमारे को 1s और 10s की वैल्यू यहीं से दिख गई. तो हम 10s की जगह पे क्या लिख देंगे, 10, और 1s की जगह पे क्या लिख देंगे, 3, है ना ये जी? तो 10 प्लस 3 क्या होता है, 30. बट इधर ही हमारा सॉल्यूशन खत्म नहीं होता है. हमने ये तो देख लिया कि 10s के बेस पे क्या आ रहा है और 1s के बेस पे क्या आ रहा है, बट हमको उतनी स्ट्रिक्स इधर ड्रॉ भी करनी है. हाउ विल ड्रॉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितनी ड्रॉ की, 10. क्यों 10 लाइन ड्रॉ की, बिकॉज उधर क्या नंबर लिखा हुआ है, 10. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3. तो हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, यस 3, 1, 2 एंड 3. क्यों हमने लाइन ड्रॉ की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई थी, तो हमने ये शो कर लिया. है ना इजी? क्यों इजी लगेगा, अगर आपका 1s और 10s का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम इजी. शैल आई रिपीट इट अगेन, कितनी स्ट्रिक्स ड्रॉ की हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. 13 ड्रॉ की हुई है, हमने 13 लिखा. 3 की वैल्यू क्या है, 1s एंड 1 की वैल्यू क्या है, 10s. तो हमने 10s की जगह पे 10 और 1s की जगह पे हमने 3 लिख दिया, ठीक है? फिर हमने क्या किया, अपनी 6, 10 हमने इधर ड्रॉ कर ली और 3 हमने इधर ड्रॉ कर ली. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. मैंने 1 नंबर सॉल्व किया. अभी और भी है इससे रिलेटेड सम्स, तो मैं बोर्ड में क्वेश्चंस लिख के आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है? नाउ पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. नंबर 1, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट, हाउ टू कैलकुलेट एंड व्हाट एवर. दैट वाज एन एग्जांपल शोन यू इन योर वर्कबुक आल्सो. नाउ हियर इज नंबर 2. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैंने क्या बताया, पहले हमको काउंट करना है, ठीक है? शैल वी काउंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
वंस है तो वंस की जगह पे हमने सेवन लिख दिया और वन की वैल्यू क्या है टेंस, तो हम कैसे लिखेंगे वन जीरो वाई जीरो बिकॉज वन की वैल्यू क्या है टेंस, हमने लिख दिया वन सेंटेंस। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड हियर सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना इजी ओके। नाउ नंबर थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्या है हमारा ट्वेंटी वन। अगर हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे टिक कर करके काम करने में तो हमारा मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि हमको इजीली पता पड़ रहा है कि हमने कोई भी लाइन काउंटिंग में छोड़ी नहीं है और स्लोली स्लोली काउंट कर देगा ठीक है। ट्वेंटी वन वन की वैल्यू क्या है वंस, तो वंस की जगह पे हम वन रख देंगे और टू की वैल्यू क्या है टेंस, तो टेंस में कितने जीरो आते हैं सिंगल जीरो तो हमने लिख दिया टू जीरो ट्वेंटी है ना इजी। अब यहाँ पे क्या करेंगे ट्वेंटी लाइन्स ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी मैं हमने स्मॉल स्मॉल ड्रॉ किया बाय, अगर मैं बड़ी बड़ी करूंगी तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। देन वन क्यों उधर वन किया क्योंकि हमको उधर वन ही करना है तो वन ही लाइन ड्रॉ की, जितने नंबर जिस जगह पे जो है हमको उतनी लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ हियर कम्स फोर्थ सम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन क्या है हमारा ट्वेंटी सेवन। सेवन की वैल्यू क्या है वंस एंड टू की वैल्यू टेंस, तो सेवन की वैल्यू वंस है तो हम आज इट इज सेवन ही रखेंगे एंड टू की वैल्यू क्या है टेंस तो हम टू जीरो ट्वेंटी रख देंगे, वो टेंस की प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेंटी। अभी हमको यहाँ पे ट्वेंटी लाइन ड्रॉ करनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ठीक है। ट्वेंटी यहाँ पे कितनी ड्रॉ करेंगे क्या नंबर है यहाँ पे सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जो नंबर है वही कोई हमको लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है ठीक है। नाउ अनदर वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू क्या है हमारा आंसर थर्टी टू। टू की वैल्यू वन थ्री की वैल्यू टेंस। नाउ आई एम गिविंग यू फाइव सेकेंड्स राइट इन योर रफ पेज हाउ यू विल प्रेजेंट वंस की जगह पे कौन सा नंबर आएगा और टेंस की जगह पे कौन सा आएगा। हरियर कोई फेयर बुक उठाने की जरूरत नहीं, जो भी पेज हाथ में है आपको लिख देना है टू किसकी प्लेस पे है और थ्री किसकी प्लेस पे है। लिख दिया टू किसकी प्लेस पे है वंस एंड थ्री किसकी प्लेस पे है टेंस, तो वंस की प्लेस पे आज किस नंबर आएगा एंड थ्री की कौन सी प्लेस है टेंस, तो हम लिखते हैं थ्री जीरो थर्टी। यहाँ पे थर्टी है और यहाँ पे टू है तो हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे थर्टी लाइन ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी। हमको स्मॉल स्मॉल क्यों ड्रॉ करना है भाई, सो अगर हम बड़ा बड़ा करेंगे तो अंडर ड्रॉ करेगा, हमको सिर्फ लाइन शो करनी है थर्टी, इसके लिए स्मॉल ड्रॉ करना है वन एंड टू वाई टू बिकॉज हमारा इधर नंबर टू है। नाउ सिक्स वन शैल वी स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी
41, 42, 43, 44 हमारी काउंटिंग क्या है 44, ठीक है। नाउ ये वाला जो 4 है वो कौन सी प्लेस पे है, 1s as this 4 लिख लेंगे, और ये 4 कौन सी प्लेस पे है 10s, तो हम इस 4 को 0, 40 कर लेंगे। y को 0 दिया तो बस ये वाला 4 क्या है हमारा 10s की प्लेस पे है, ठीक है। इसके लिए हमें 4, 0, 40 करेगा, मैंने यहाँ पे 4 लिखा। नाउ व्हाट वी विल डू, ये 40 है तो हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 40 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की जगह
जगह पे है, तो जो टू टेंस की जगह पे है वो है 20 और जो 8 है वंस की जगह पे वो 80 है, तो 20 प्लस 8 क्या होता है 28, हियर वी विल राइट 28, है ना इजी। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अनदर वन, यहां पे क्या है 1 और यहां पे 1 2 3, ठीक है 1 2 3 एंड यहां पे 1, तो वंस की जगह पे क्या है 1 एंड यहां पे टेंस की जगह पे क्या है 3, ओके। फिर अब ये 1 और 3 मिला के क्या होगा, कैन एनीवन टेल, यस बिकॉज 1 है वो वंस की जगह पे है और 3 है वो टेंस की जगह पे, यानी 31, ठीक है। नाउ अनदर वन, लेट्स रिराइट दिस वन, ठीक है 31। Now we will do this one. हमको क्या करना है, बस उसको अच्छे से एबेकस को अच्छे से देखना है, उसको अच्छे से काउंट करना है, फिर लिखना है, वो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, यहाँ पे मार्किंग प्रॉपर नहीं आ रही है बट आप पेंसिल से जैसे मैम ने आपको बोर्ड पे सिखाया था वैसे ही करेंगे 1 2 एंड 3, तो 1 की जगह पे क्या है 3 और 10 की जगह पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी हमने 3 ले लिया। अभी 1 की जगह पे भी 3, 10 की जगह पे भी 3, बट 10 की जगह पे जो 3 है वो क्या होगा 30 एंड 1 की जगह पे जो 3 है वो 3 होगा, तो 30 प्लस 3 क्या होगा 33, है ना। देन अनदर वन, वंस को पहले हम हमेशा वंस को ही काम करेंगे, 1 2 3 4 5, कितने हैं ये 5, हम लिख देंगे 5, फिर 1 2 एंड 3, कितने हैं ये 3, तो हम कैसे लिखेंगे 3 है वो टेंस की जगह पे है, वंस की जगह पे है 5। अभी तो आपको आ भी गया होगा, बोलोगे मैम तो बहुत इजी है, यस इट इज इजी, जो क्या है वंस की जगह पे है वो 5 है, टेंस की जगह पे वो है 3, तो हम वंस की जगह पे 5 लिख देंगे और टेंस की जगह पे लिख देंगे 3। मैम यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉपरली नहीं लिख पा रहे हैं बट आप प्रॉपरली ब्रैकेट यूज करके ही लिखोगे, तो वंस की जगह पे 5 है और टेंस की जगह पे जो 3 है, तो टेंस की जगह पे 3 है वो क्या होगा 30 एंड 30 प्लस 5 क्या होगा 35, तो हम लिख देंगे 35, ठीक है। आया समझ में, यस। बाकी के जो भी है अबेकस ड्रॉ किए हुए हैं टेंस और वंस की जगह पे प्लेस पे, दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन, और मैम आपको पीडीएफ इसका पूरा अच्छे से लिख के भेजेंगे, बट जैसे मैंने आपको 4 एग्जांपल शो किए कि इजी है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, आपको खुद ही ट्राई करना फिर मैम का पीडीएफ देख के लिखना, ठीक है, आप प्रैक्टिस करना, कुछ भी डाउट है आप मुझे लाइव डाउट सेशन